हाँ तो वन सेकेंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में आपको कमल कमल का दो वर्ड्स बता रहे हैं और दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, जबकि दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे पहला हमारा है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और कन्फेस क्या है, कॉन्फेस का मतलब ये होता है क्या करना, स्वीकार करना, ठीक है। अब दोनों का मीनिंग तो सेम है लेकिन इसको बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो आप यदि दुनिया में अपने गलती को छोड़कर किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं तो वहां पर आपको लगाना है एक्सेप्ट, क्या लगाना है एक्सेप्ट। जैसे एग्जांपल आप देख लेंगे कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं तो होगा आई एक्सेप्ट यू, क्या होगा आई एक्सेप्ट यू, हो गया। मैं इसे स्वीकार करता हूं तो आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है। मैं सबको स्वीकार करता हूं तो आई एक्सेप्ट ऑल। तो दुनिया में अपने गलती को छोड़कर किसी भी चीज को आप स्वीकार कीजिए तो वहां पर एक्सेप्ट लगाना है। बट यदि आपको अपनी गलती को स्वीकार करना है, अपनी गलती को स्वीकार करना है, ठीक है, तो वहां पर एक्सेप्ट नहीं, वहां पर कन्फेस बोला जाता है। जैसे आपको बोलना होगा कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं तो बनेगा आई कन्फेस माई मिस्टेक, आई कन्फेस माई मिस्टेक। वह अपनी गलती को स्वीकार किया तो ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक, ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक। इस प्रकार का कमल कमल का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप संडे कमेंट बॉक्स में अपना नाम देना ना भूले, आप कमेंट कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है इसी वीडियो या बहुत सारे वीडियो है किसी भी वीडियो के जाकर के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपके नाम को पिकअप किया जाएगा और आपके नाम के साथ अगले सेमेंट मतलब इस संडे के बाद जो मंडे होता है एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपके बाय नेम नाम पकड़ पकड़ कर नाम मतलब कॉल करके नाम बुला बुला कर जो है से आपको नाम को बोल बोलकर आपको क्वेश्चन का कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा, किस व्यक्ति ने क्या क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया जाएगा। तो कमेंट करना ना भूलें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।